भगवते वासुदेवाय नमः। आजर आलोच्य विषय मौसीमा, मौसीमा किए अर्धासनी बा अर्ध ससणी देवी, यह विषय विशेष भाव आलोचना करी। महाप्रभु श्री जगन्नाथ असंपूर्ण हो स्वयं संपूर्ण, से होती समग्र मूर्ति तत्वर प्रतीक, सर्वधर्मर मूलधार, सर्वकर्म स्वरूप, सर्वजीव स्वरूप, से सिद्धिदाता और मुक्तिदाता, समग्र विश्वरे से एक प्रतिरूप। तांकर रूप रंग आकार वेश पोशाक पूजा पर्वण यात्रा उत्सव अनुष्ठान मंदिर तथा क्षेत्र विषयक समग्र तत्व और तत्व रहस्यमय, यही रहस्य मध्यरे पौरुष सेय रहस्यर केन्द्रबिंदु तथा समग्र तत्वर प्रतीक होती स्वयं जगन्नाथ, जहाँ कहीं पिता बा माता नहांती, नीलमणि लेखा अच्छी। नो माता जनक जन्म निरूपा वयव तथा सर्वतत्वमय साक्षात ब्रह्मांड पुरुषोत्तम। मौसी माँ किए ओ यहाँकर एपरी नामकर तात्पर्य कौन बोली मनरे स्वत प्रश्न उठे। लोककथार राज्य तथा अंत प्रांतर आसुवा श्रद्धालु जगन्नाथ प्रेमी महाप्रभुंकर श्री गुंडीचा घर को जगन्नाथ मौसी घर बोली धारणा रखी था। बाहर आसुवा भक्तों भितर द्वंद्व रही था, विशेषकर बंगीय पर्यटक मैंने गुंडीचा घर को मौसी माँ बाड़ी बोली कही था। तेब बड़दाण्ड मध्य भाव में मौसी माँ मंदिर रही, समुद्रर प्रलय कालरे शोषण कर श्रीक्षेत्र को रक्षा करथिबा अर्धा शनि बा अर्ध शोषणी मौसी माँ मंदिर रे पूजा पाई थांती। पुरी बड़दाण्डर बड़गंडी छक निकटरे थिबा मौसी माँ मंदिर रे महाप्रभुंकर रथ रही थाए, एठारे पोड़पिठा भोग लागि होइथाए। एक प्रसंगरो जणा जाय जे महाप्रलय कालरे पुरुषोत्तम क्षेत्र रे रोहिणी कुंडरो कारणोदय निसृत हो महाप्रलय घटाई परे पुणी से कुंडरे नील हो जाए। एही जल प्रलय जुगावर्धन कालरे घटी थाए, थरे प्रलय परे से जलकुंड मध्य लीन हेला नाही। तहु माँ लक्ष्मी विष्णुप्रिया सकल लोक जननी जगमाया सुभद्रिका निकटरे ए घटना व्यक्त करते। जगमाया स्वगोत्ररु एक शक्ति जात करी प्रलयकंकु शोषण प्रक्रिया माध्यम रे निशेष करिबा पई आदेश देले। सृष्टि देवी चलु कला परी प्रलय जल को शोषण करी देबारु क्षेत्र रक्षा हला। क्षेत्र रक्षा हेबा संगे संगे क्षेत्रवासी माने अस्वस्थ अनुभव कले। एही देवी क्षेत्रर आराध्यका शक्ति मध्यरे अन्यतम। इंद्र नीलमणि पुराण रे रोहिणी कुंड प्रशस्ति रे कुहा जायछि जोग मायांग संभूतं प्रलयोदोको सोसिणी अर्धा सोनी महादेवी क्षेत्र रक्षा विधायिनी। महाप्रलय समय रे वर्धित जलर अर्धभाग सृष्टिर आद्य काल रे से असन ओ भक्षण करंती बोली स्कंद पुराण रे मध्य उल्लेख अछि। प्रलय जल को शोषण करिथिबारु एहार अर्धासनी आख्या दिया जाइछि। बड़दाण्ड देई प्रवाहित लुप्त नदीर पार्श्वरे रही क्षेत्र मध्य को वन्य जल प्रवेश कराई न देबा ओ क्षेत्र को जगी रही बार ए संकेत मध्य अर्धासनी नाम मध्य अनुमान करा जाई पारे। जगन्नाथ उपासनार मानवीयकरण प्रक्रिया अर्धासनी को मौसीमारे परिणत करिछि। पुणी देवी जगमायांकर स्वगोत्र को रूप नेइथिबा हेतु तांक भग्नी भावे मौसीमा हेबा विधेय। देवी अष्टांगनी प्रलय को शोषण करी क्षेत्र को रक्षा करिबा संगे संगे बर मानंक निवास स्थल को सुरक्षा करिथिबारु दईता ओ सबर हरक माने एहाकु इष्ट देवीक मान्यता प्रदान करी पूजन करंती बोली पुरुषोत्तम महात्मरे वर्णित अछि। सबर सामंत माने इंद्र नीलमणि मूर्ति को लुचाई रखिबा परी अर्धासनिंक अर्ध अंग को सुभद्रांक मुखमंडल रूप से लुचाई रखिछंती।
ओ एहाकु गुह्य देवी भावरे पूजा करंती। सबर माने उत्तर पूर्व पार्श्वरे बसती स्थापन कला बेले एही मूर्ति स्थापन करी देवी सुभद्रांक अंग संभूता बोली प्रमाण करिबा को बा रहस्य को गुप्त रखिबा को उक्त मूर्तिर ऊर्ध भाग को लेप संस्कार कर्म अनुसार देवी सुभद्रांक मुखार बिंद परी करिछंती। एही लेप मूर्तिर दुई गोटी कारण रु स्पष्ट जना पड़े। प्रथमत ए हला जग मायांक भगिनी तेणु सुभद्रांक परी हेबा विधेय द्वितीयत्व शैल निर्मित मूर्ति को साबर सभ्यता मध्यरे सीमित रखिबा पई लेप द्वारा ढांकी दिया जाइछि। संभवत जगमाया सुभद्रांक भगिनी रूपे अर्धाशनी को मातृभग्नी मौसीमा बोली कहुजाए ओ सेही नाम ही प्रसिद्ध होइछि। एही मौसीमा विषय मो किछि रहस्य कथा आलोचना करिछि तेणु जदि आपण मानक भल लगि थाए ताले मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिबे मो नुआ नुआ कथा नै आपण मानक पई आसीबी। जदि एही मौसीमांक कथा भल लगि थाए ताले मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिबे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।